मेल जब हम लिखते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मकासद हो सकते हैं कभी हो सकता है हम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या कोई फॉलो अप या नेटवर्किंग के लिए देखते हैं कि उनको हर तरह की ई को लिखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए अगर हमने नेटवर्किंग के लिए ई करनी है तो उसके लिए एक अलग तरह की तैयारी उसके पहले हमें करनी होगी बेसिकली ये कि हम ई की अपनी एक लिस्ट बना के रखें कि किन लोगों को हमने अपनी नेटवर्किंग के लिए ईमेल भेजनी है उसमें ये हो सकता है कि कोई नई चीज़ अगर आप कर रहे हैं कोई नई इनोवेशन आपने लाई है कोई नया आपने अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया है कोई नए स्किल्स इन्हांस हुए हैं कोई अचीवमेंट्स हैं आपकी तो वो आप उनको शेयर कर सकते हैं दूसरा ये अक्सर समझा जाता है कि नेटवर्किंग बड़ी कोई ख़राब चीज़ है चालाक लोग करते हैं मतलब लोग करते हैं ऐसी बात नहीं है नेटवर्किंग सिर्फ आ, असल जो दुरुस्त तरीका नेटवर्किंग का ये है कि आप सिर्फ़ उस वक्त ना करें जब आपको कुछ चाहिए किसी से अगर आपको कोई ऐसी चीज़ आपकी नज़र से गुजरती है जो दूसरे के इंटरेस्ट में हो आपके नेटवर्क में किसी के तो आप वो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं तो दिस ऑल एड्स अप टू योर बिजनेस रिलेशनशिप विद अ पर्सन और आ, इसके अलावा ये है कि आपको इस तरह की ईमेल अगर आप भेजेंगे तो एक बहाना हो जाएगा किसी से इन टच रहने का या क्लाइंट से इन टच रहने का और उनको रिमाइंड कराने का कि आप भी हैं वरना उनके जहन से हो सकता है आपका ख़्याल निकल जाए और आपको वो आ, काम देना भूल जाए सो so, अपनी जो भी आपकी अपडेट्स हैं आपकी फ़्री लांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कितने असाइनमेंट्स कर लिए कितने पैसों के वर्थ कर लिए वो सारी चीज़ें आप उनसे शेयर करें नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लाइंट्स हों हो, हो सकता है आप किसी इवेंट पे गए कॉन्फ्रेंस पे गए आपको कोई मिले हो सकता है सोशली आपको किसी जगह पे कोई मिले कोई शादी पे मिले लेकिन जो आपको लगता है आपके अच्छे बिजनेस कॉन्टैक्ट हो सकते हैं और हु कैन एड टू दर्क दैट यूर डूंग ज़रूरी नहीं है कि आपको वो काम ही दे रहे हों या एम्प्लॉयर ही हों कोई भी हो सकते हैं जो कि आपके जैसा भी काम कर रहे हो उस तरह के लोग भी आपके नेटवर्क का हिस्सा होने चाहिए सो स्टे इन टच विद दम थ्रू ई मेल्स एंड फाइंड एक्सक्यूजेज मौके ढूंढें बहाने ढूंढें कि उनको आप कैसे uh, अपने लूप में रख सकते हैं ताकि वो आपको याद रखें उसमें आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं पॉसिबल स्टार्टर्स उसके ये हैं वी वुड लाइक टू शेयर आर सक्सेस और उसके आगे आपने जो भी कुछ किया है उसमें थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस अपरचुनिटीज़ टू प्रूव आर वर्थ टूडे वी आर कोई आपका पुराना जिसने आपको असाइनमेंट दी है उसको आप बताएं कि भाई आपने हमें काम दिया पहले और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और फिर जैसे कि आप ये बता दें कि हमने इतने 27 सेवन असाइनमेंट्स किए सबमिटेड टू सेटिसफाइड क्लाइंट्स इन अदर अंडर थ्री मंथ्स आर टीम इज़ ऑल सेट टू टेक न्यू जॉब्स तो इसमें आप स्पेसिफिक सी कोई इंफॉमेशन दे रहे हैं अपनी कैपेसिटीज़ बता रहे हैं इट्स पिट इट हैज़ अ बिट ऑफ अ पंच पावर स्टेटमेंट है थोड़ी सी नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स के साथ तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट वेज़ टू स्टे इन द रीड क्योंकि कॉम्पिटिशन इतनी है और इतने सारे लोग हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मनवाएं और सामने अपने रहें सिर्फ कैपेसिटी आज के दौर में इनफ नहीं है बल्कि अपनी कैपेसिटी को दूसरों के सामने लाना और मार्केट करना दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्किल उसके अलावा जब आप नेटवर्किंग के लिए ई करें तो उसमें एक्शन पॉइंट्स भी हो सकते हैं उसमें आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि कोई इशारा दे सकते हैं कि आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है या आप क्या चाह रहे हैं कि इस ई के रिस्पॉन्स में क्या हुँ? जरूरी नहीं है लेकिन ये आप कर भी सकते हैं जैसे आप कहीं वी लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद यू अगेन वी वुड बी हैप्पी टू केटर टू योर अपकमिंग नीड्स कीपिंग इन माइंड आर इंक्रीज वर्क वी हैव एक्सपेंडेड आर टीम टू इंक्लूड स्पेशलिस्ट इन वेरियस फील्स सो यू आर इंडिकेटिंग की आपकी कैपेसिटीज़ बढ़ गई हैं एंड यू रेडी फॉर मोर वर्क एट्सट्रा तो फिर दूसरी चीज़ होती है फॉलो अप अक्सर होते हैं हम सोचते हैं हमने उनको लिख के भेजा हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की लेकिन कोई जवाब नहीं आया ये लोग इस तरह जवाब नहीं देते एट्सेट्रा तो देर इज़ नो शेम इन नॉकिंग ट्वाइस इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी को दोबारा से पूछ लें कि आई एम सॉरी वो हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी मे बी यू डेंट गेट द टाइम टू लुक एट इट एंड दिस वॉज वॉट वी हैड वॉन्टेड तो ज़रूरी नहीं है कि किसी ने मेलिस के साथ या बदनीयती के साथ आपकी ईमेल नहीं देखी या जवाब नहीं दिया बहुत से रीजंस हो सकते हैं लोग बिजी होते हैं हो सकता है उस ई के बाद और बहुत सारी ई आ गई हों और वो यू नो बॉटम ऑफ द पाइल पर चली गई हो तो उनकी नज़र ना पड़ी हो उसके ऊपर तो आप बेफिक्र होके उनको दोबारा से करें और जब जवाब उनको फॉलो अप ई मेल करने से पहले एक दफ़ा अपने जंक फिल्टर में देख लें हो सकता है उन्होंने जवाब दिया हो और वो जंक फिल्टर में चला गया हो और अगर उन्होंने जवाब दिए और आप फिर फॉलोअप ई मेल करेंगे तो देट विल नॉट लुक रियली नाइस सो जस्ट चेक मेक श्योर कि वाकई जवाब नहीं आया और फिर आप बेफिक्र होकर वेरी पोलाइटली एक फॉलो अप ई मेल उनको कर सकते हैं और कंसिस्टेंट होने में कोई हर्ज नहीं है एज लॉन्ग एज यू स्टे पोलाइट वेरी पोलाइट उसके स्टार्टर्स कुछ ये हो सकते हैं कि दिस इज़ विथ रेफरेंस टू माई मेल डेटेड सच एंड सच रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो भी था आई वॉज वंडरिंग इफ अ डिसीजन हैज़ बिन रीच्ड रिगार्डिंग ये तो इसमें स्पेसिफिकली आप बिल्कुल करके और उसको सॉफ्टली और पोलाइटली आप अपनी एक बात कर रहे हैं उसका एक और एक ऑप्शन ये हो सकता है लास्ट वीक आई सबमिटेड द प्रोपोजल डॉक यू रिक्वेस्टेड फॉर योर वेबसाइट डिजाइन असाइनमेंट आई जस्ट वॉन्टिड टू चेक किफ यू रिसिव्ड इट एंड इफ यू रिक्वायर एनी क्लैरिफिकेशन और एडिशनल इन्फॉमेशन हो सकता है इसका भी जवाब ना है और फिर कोई बात नहीं आप दो दफ़ा पूछ के छोड़ दें अगर आपको लगता है कोई होप है तो आप तीसरी दफ़ा पूछ लें लेकिन यह कि एक दफ़ा फॉलोअप तो करने में कोई हर्ज नहीं है बल्कि वन शुड तो स्पेशली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एन असाइनमेंट और फॉलो अप ई में आप उनको एक्शन पॉइंट्स जो आप आखिर में दे सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि आप उनको बताएं कि आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड लुक फॉर्वर्ड टू हियरिंग अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स फ्राम योर साइड यानी कि हाँ या ना में जो भी रिस्पॉस आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग इट उसके अलावा आप कह सकते हैं आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट वर्क ऑन योर असाइनमेंट सो इट कैन बी रैप्ड अप विद इन द डेडलाइन इन ऑर्डर टू स्टार्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए आप उसकी फिर रिक्वेस्ट करें सो दीज आर कॉल टू एक्शंस कि ये हमें चाहिए और इसके लिए हम आपसे फॉलोअप uh, कर रहे हैं पिचिंग ई मेल्स जिसमें कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट को अपनी किसी सर्विस को मार्केट uh, करें या उसको जो है सेल करने की बेसिकली कोशिश करें जब आप कोई पिचिंग ई मेल करें तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए जो सामने वाले के असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके uh, जहन में होनी चाहिए आप सामने रखें ई मेल लिख के उसके अगेंस्ट उसको चेक करें टू मेक श्योर कि वो उसके साथ है मैच और उसको आप मॉडिफ़ाई करें उसके मुताबिक अगेन uh, लंबी बात बिला वजह लंबी बात नहीं होनी चाहिए यूज़ एज मनी वर्ड्स एज नीडेड बट नॉट वन वर्ड एक्स्ट्रा फालतू में या रिपीट करने के लिए कोई बात करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और अगेन इसी इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेविटी आप ये भी करें कि आप जल्दी से जो ऑब्जेक्टिव है वो शुरू में ही मैंशन कर दें थोड़ा सा बैकग्राउंड दें और ऑब्जेक्टिव मैंशन करके और फिर उसको uh, डिटेल में करके चलें बुलेट पॉइंट्स की अगर ज़रूरत है तो दे दें या छोटे पैराग्राफ्स अलग अलग बना लें बजाय लंबा पैराग्राफ़ बनाने के और अपना जो पोर्टफोलियो है आपका जो आपने अचीवमेंट्स हैं वो ज़रूरी है कि उसके लिंक्स यहाँ पे आप दें या एज अटैचमेंट्स अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो साथ में करें ये सिर्फ उस अपनी डिस्क्रिप्टिव uh, टेक्स्ट के साथ जो है वो पिचिंग ई मुकम्मल नहीं है अनलेस यू शेयर थिंग्स फ्राम योर पोर्टफोलियो या जो आप गुजा आप चीज़ें कर चुके हैं उसका कोई सैम्पल उनको दिखाएँ तो फिर दैट विल इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ गेटिंग द प्रोजेक्ट राइटिंग टू अ मैंटोर अगर आपको कोई शख्स कहीं पे मिले हैं या कोई आपने इवन ऑनलाइन आपने किसी को देखा है और आपको लगते हैं कि ये अच्छी मुझे इनसे करियर गाइडेंस और एडवाइस मिल सकती है डू नॉट फील शाई टू अप्रोच दैम अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पोलाइटली करें और जेंटली uh, करें और एक मुनासिब डिस्टेंस के साथ करें तो रिक्वेस्ट करने में कि भई मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए आप इतना अच्छा काम करें देर इज़ नो शेम इन दैट पहले तो उनको लुकअप करें उनके बारे में जानें उनकी इन्फॉर्मेशन निकालें पहले दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और अपनी बात कम करें अपना काम जो है वो ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें अभी आपको उनसे कोऑपरेशन चाहिए और उनकी आपको गाइडेंस चाहिए उनको अपने एज़ अ टीचर आप उनको इंगेज uh, करना चाह रहे हैं या इंटरेस्ट करना चाह रहे हैं यू हैव यू मे नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफ़र लेकिन वो भी आप कुछ ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं लेट सी यू कैन ऑफ़र देम सपोर्ट ऑन एन असाइनमेंट आप उनको कहें कि आप मेरी हेल्प कर दें कि आप ब्लॉग uh, सेटअप कैसे होता है या इसको मोनिटाइज़ कैसे करें या किसी चीज़ में और आपके आई वुड लव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू यू वन और टू असाइनमेंट्स फॉर फ्री तो ऐसी भी आप कोई उनको पेशकश कर सकते हैं उनके अकाउंट्स देखें फेसबुक के अकाउंट्स ट्विटर के अकाउंट्स देखें और देखें अगर कोई कॉमन आपके जानने वाले हैं तो आप उनके साथ जो है उनका भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और अगर एक ही शहर के लोग हैं तो आप मीटिंग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन यह कि पहले आई वुड रिकमेंड उनका इनिशियल रिस्पॉन्स देखें इफ़ इट्स पॉजिटिव इफ़ इज़ विलिंग और शी इज़ विलिंग तो फिर आप मीटिंग रिक्वेस्ट करें नहीं तो आप आ, ये भी है कि उनको लगे कि आप ख़ाम कोई पीछे पड़ गए हैं या कोई स्टॉकर हैं कोई ऐसी चीज़ सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑन दैट अकाउंट एज वेल पूछना क्यों चाहिए स्टीव जॉब्स जो इन्होंने आईफोन बनाए जब वो छोटे से थे व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड तो वो उन्होंने ह्यूलेट एंड पैकार्ड जो एच कंपनी है प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स वगैरह बनाते हैं उनके मालिक को उन्होंने जो है रबता कर लिया और उनसे कहा कि मुझे तो ये स्पेयर पार्ट्स चाहिए जो आप अपनी मशीन्स में यूज़ करते हैं मैं अपना कोई कंप्यूटर वगैरह बना रहा हूँ तो उनको ना सिर्फ वो स्पेयर पार्ट्स भी मिल गए बल्कि उनको समर में वहाँ इंटर्नशिप करने का मौका भी मिल गया तो अगर आप पूछेंगे नहीं और स्टीव जॉब्स ने ये भी कहा है यहाँ पर वो नहीं है कि मैंने मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी से कोई चीज़ मांगी हो किसी ने ना दी हो स्पेशली इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प या कोई सपोर्ट तो अगर आप लोगों को रीच आउट करेंगे तो या उनसे कनेक्टेड नहीं कोशिश करेंगे तो ही आपको कोई हेल्प कर सकता है तो ये कुछ मकासदे हैं जिसके लिए कि ई मेल्स लिखी जा सकती हैं उसके अलावा है इन्फॉर्मेशन के लिए हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उसके लिए आप ई मेल लिखें कोई आ, कोई असाइनमेंट है कोई अपॉर्चुनिटी है आ, या कोई आपको रिपोर्ट वगैरह चाहिए किसी अदारे ने बनाई है और उसके बारे में आ, आपको मालूम चाहिए लेकिन जो भी आपको मालूम चाहिए उस उस टॉपिक के इर्द गिर्द की मालूम ले ही आप वो ई लिखें सो यू डोंट अपियर कंप्लीटली लाइक एन अनारड़ी या बिल्कुल ही आप ब्लैंक ना लगें कुछ अगले को ये लगे कि हाँ इसके साथ एंगेज करने में इसको इन्फॉमेसन देने का कोई फ़ायदा है इस तरह की ई मेल्स के लिए कुछ स्टार्टर्स हो सकते हैं आई एम रॉटिंग टू इंक्वायर अबाउट आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विथ एक्शन पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड कुड यू पॉसिबली सेंड वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू टेल मी सो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स यू नोटिस दे एड ल लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा पोलाइटनेस आई वुड अप्रिशिएट एफ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट जो भी चीज़ के लिए आपको इन्फॉमेशन लेनी है सो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट राइटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ई मेल्स इसके अलावा भी आपको किसी सूरत किसी तरह की ई मेल्स अगर लिखनी है तो आप इसमें से भी गाइडेंस ले कर वो कर सकते हैं